नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बात करेंगे सबसे पहले बुलेटिन में आज की बड़ी खबर की, ज्ञानवापी मामले की। दरअसल हम बात कर रहे हैं ज्ञानवापी मामले की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई है मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर विवाद मामले में। आज ये सुनवाई होनी है, मंदिर पक्ष की तरफ से दलीलों को आज कोर्ट जो है वो सुनेगा, और साथ ही साथ मंदिर पक्ष ने साक्ष्य पेश करने के लिए समय जो था वो मांगा था, और इस मामले में निचली अदालत में भी सुनवाई जो है वो हो रही है। तो मंदिर पक्ष की ओर से आज जो दलीलें रखी गई थी उन पर सुनवाई होनी है, क्योंकि मंदिर पक्ष ने साक्ष्य पेश करने के लिए समय मांगा था, और अब इस मामले में निचली अदालत में भी सुनवाई जो है वो हो रही है। तो अहम खबर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। बता दें आपको, मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर विवाद मामले में ये सुनवाई आज होनी है। मंदिर पक्ष की तरफ से जो दलीलें रखी गई है मंदिर पक्ष की तरफ से, उन्हीं दलीलों को आज कोर्ट जो है वो सुनेगा। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे वाराणसी का, जहां से हमारे सहयोगी मदन मोहन मालवीय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, कितने बजे सुनवाई होनी, सबसे पहले ये अपडेट चाहेंगे। जी नीता, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि आज जो है ज्ञानवापी आदि विशेश्वर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जो है आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो है ना सुनवाई होनी है। प्रकाश पाड़िया की अदालत में ये सुनवाई चल रही है, जिसको लेकर के अगर कहा जाए तो आज ये सुनवाई शुरू होगी, जिसमें जो है हिंदू पक्षकार यानी मंदिर पक्ष की तरफ से जो है समय मांगा गया था, उसके बाद जो है आज ये सुनवाई होगी। तो लगभग अगर कहा जाए तो 12 बजे के बाद जो है ये सुनवाई जो है होगी। इसके बाद अगर कहा जाए तो अंजुमन इंतजामिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो है कहा जाए तो एक याचिका दाखिल की थी, जिसको लेकर के आज सुनवाई जो चल रही है। इसमें हिंदू पक्षकार का ये कहना है कि जिस तरह से जो है मुस्लिम पक्षकार जो है वक्फ बोर्ड की जो है जमीनी कह रहा है, तो उसको लेकर के अगर हम बात करें तो ये वक्फ बोर्ड की जो है जमीन नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें जो है 1995 का जो है हवाला दिया गया, वो उसके बाद लगातार जो है इस पर जो है सुनवाई चल रही थी, जिसको लेकर के आज जो है हिंदू पक्षकार अपना जो है पूरी तरह से जो साक्ष्य लेकर के जो समय मांगा था आज वो साक्ष्य जो है अदालत के समक्ष जो है ना पेश करेगा। इसके बाद तमाम जो उनके पास में जो साक्ष्य हैं उनके बारे में अदालत को जो है बताएगा, तो इसको लेकर के आज जो है सुनवाई चल रही है। जी, मंदिर पक्ष की तरफ से तमाम दलीलें जो है वो पेश हो चुकी है, उन्हीं दलीलों की आज सुनवाई जो है वो कोर्ट करने जा रहा है। ऐसे में अगर बात करें हम साक्ष्य की, तो साक्ष्यों के लिए भी वक्त जो था वो मांगा था, कहीं ऐसा तो नहीं आज की सुनवाई में और वक्त चाहिए होगा दोनों पक्षों में से किसी को भी? ऐसा है कि हिंदू पक्षकार जो है पूरी तरह से तैयार है, उसमें जो है साक्ष्य जो पहले भी प्रस्तुत किए थे और आज भी जो है पूरी अगर कहा जाए तो साक्ष्य के साथ जो है विजय शंकर रस्तोगी जो हिंदू पक्षकार के जो अधिवक्ता हैं वो आज जो है अदालत के समक्ष जो है पेश करेंगे। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो आज जो है उसमें जब हिंदू पक्षकार जब साक्ष्य जब पेश करेंगे तो हो सकता है कि मुस्लिम पक्षकार की तरफ से जो है कुछ जो है याचिका दी जाए या कुछ जो इस तरह से उसमें आपत्ति दर्ज की जाए, तो इन सब तमाम चीजों को लेकर के आज इस पर जो है बहस होगी। इस पर जो है उसके बाद जो है लगभग कहा जाए 12 बजे के बाद जो है इस पर सुनवाई होनी है। सुनवाई होने के बाद जो है क्या अदालत जो है इस पर निर्णय लेती है, क्या जो हिंदू पक्षकार के द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है क्या वो पर्याप्त है, या फिर मुस्लिम पक्षकार जिस तरह से लगातार ये कह रहा है कि ये बप क्या है और इस पर जो है बप की जमीनें हैं, इस पर जो है पूजा पाठ नहीं हो सकती है, 1947 के बाद की अगर हम बात करें तो वहां पर पूजा पाठ नहीं हो रही है, मुस्लिम पक्षकार का ये कहना है। जबकि ऐसा है कि ज्ञानवापी सिंह गौरी में अगर कहा जाए तो वहां पे जो है पूजा हो रही, तो तमाम ये जो है इस तरह से हिंदू पक्षकार के अधिवक्ता आज जो है पूरी तरह से तैयार हैं, और जो भी अदालत से जब समय मांगा था कि आज जो साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे तो वो उनके पास जो है पर्याप्त साक्ष्य हैं, कि जिस तरह से जो है सर्वे की गई थी, सर्वे के दौरान भी जो सारे चीजें जो निकल करके आई हैं उन सभी चीजों का जो है आज हवाला जो है हिंदू पक्षकार के द्वारा दिया जाएगा, तो उन सब चीजों को लेकर के जो है ये तमाम बातें तो हो गई इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई की। मदन, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी उस दौरान ये तमाम बातें जो है वो आ जाएंगे सामने, लेकिन वही आज ही इसी मामले में निचली अदालत में भी सुनवाई हो रही है, उसको लेकर कोई अपडेट? जी बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाए कि जिस तरह से आदि विशेश्वर को लेकर के जो है हाईकोर्ट पे सुनवाई होनी है, तो वहीं आज निचली अदालत में भी इसकी सुनवाई होगी। पक्ष जो है वही रखा गया है, क्योंकि उसमें पूजा अर्चना को लेकर के जो है अदालत से मांग की गई थी, तो आज उन सभी चीजों पर जो है बहस चलेगी। इसके बाद यहाँ भी जो है जो साक्ष्य जो है जो मिले थे, जो सर्वे के दौरान जो सारी रिपोर्टें आई हैं उन सभी रिपोर्ट को जो है अदालत के समक्ष जो है बताया जाएगा, तो इन सब चीजों को लेकर के आज कहा जाए तो निचली अदालत में भी जो सुनवाई होनी है और हाईकोर्ट में भी जो है इसकी सुनवाई चल रही है। ठीक है मदन, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत